अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल यम्मी फूड विद सना। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का पिज्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे हम बिना ओवन के फ्राई पैन में बनाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। बट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो सबसे पहले हम पिज्ज़े का डो तैयार करेंगे, उसके लिए हमें ईस्ट को एक्टिवेट करना होगा। यहाँ मैंने एक कप नीम गर्म पानी लिया है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून के करीब चीनी ऐड करूँगी और 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे एक्टिव ड्राई ईस्ट। तो ये देखिए, यहाँ मैंने 2 टीस्पून ईस्ट के इसमें डाल दिए। चीनी और ईस्ट को हम पानी के साथ अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम इसे रख देंगे साइड में लगभग 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। यहाँ मैंने 1/2 किलो के करीब मैदा लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, यहाँ मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड करी हूँ। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब जो हमने ईस्ट का मिक्सर बना के रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने जो ईस्ट का मिक्सर बना के रखा था यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही में मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब तेल और इसे हम अच्छे से आटे के साथ मिला लेंगे और इसका एक नरम सा हमें डो तैयार करना है। तो जैसे जैसे हमें पानी की इसमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक नरम सा मुलायम डो हमको तैयार करना है। तो ये देखिए, आटा काफ़ी हमारा ड्राई था तो इसमें मैं हल्का गर्म पानी ऐड कर दूंगी। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, आपको भी इसमें नीम गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के अब मैं इसका एक नरम सा आटा तैयार कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आटा हमारा अच्छे से इकट्ठा हो गया है। अब मैं इसे ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यूसली मसलते रहूँगी ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छा चिकना और सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए हमने आटे को अच्छे से मसल लिया, ये काफ़ी चिकना हो गया। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल डालने के बाद भी हम इसे और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसी तरीके से मसलते रहेंगे ताकि ये और ज़्यादा चिकना और सॉफ्ट हो जाए। तो लगभग 6 से 7 मिनट के लिए हमें आटे को एकदम अच्छे से गूंदना है, तभी हमारा जो पिज़्ज़ा का बेस्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिए, जैसे मैं इसे कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे गूंदते जाएंगे तब तक जब तक ये हमारा आटा एकदम चिकना नहीं हो जाता। तो ये देखिए, हमारा आटा अभी एकदम अच्छा चिकना हो गया है और जैसे कि आप देख सकते हैं कितना नरम और कितना सॉफ्ट बना है। तो अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करूँगी, लगभग 1 टेबलस्पून के करीब। ऑयल को हम आटे पे अच्छे से लगा देंगे, साइड में जो हमने बर्तन लिया है उसमें भी हम ऑयल अप्लाई कर देंगे ताकि जब हमारा आटा फूले तो ये बर्तन से चिपके नहीं। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इस पर अच्छे से ऑयल लगा दिया। अब मैं इसे कर दूँगी कवर। कवर करके हम इसे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे गर्म जगह पर ताकि हमारा आटा अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो जब तक हमारा डो फर्मेंट हो रहा है, यहाँ हम चिकन मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लगभग 200 ग्राम के करीब चिकन लिया है, इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर, हल्दी डालूंगी मैं इसमें 1/4 टीस्पून, नमक हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। साथ ही में अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही 2 बड़े चम्मच भर के। तो ये देखिए, यहाँ मैंने दही ऐड कर दिया और साथ ही में थोड़ा सा रेड फूड कलर, क्योंकि हम चिकन टिक्का पिज्ज़ा बना रहे हैं तो चिकन के पीसेज रेड कलर के होंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए, सभी मसालों को हमने चिकन के साथ अच्छे से मिला लिया। अब मैं इसे रख दूँगी मैरिनेट करने के लिए लगभग 1/2 से 1 घंटे के लिए। तो 1/2 घंटा हो गया है। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था उसे हम पका लेंगे। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा हम इस पर हमारा मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। तो ये देखिए, हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है, इसे हम गर्म पैन में ऐड कर देंगे। चिकन को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। गैस के फ्लेम को हमें हाई ही रखना है, हाई फ्लेम पर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही सॉटे करेंगे। फिर हम इसे कर देंगे कवर और कवर करके इसे स्लो फ्लेम पर इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन हमारा पूरी तरीके से गल जाए। तो लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटा के चिकन चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चिकन तो हमारा गल चुका है लेकिन उसने काफ़ी सारा मॉइस्चर रिलीज़ कर लिया है। तो अब इस मॉइस्चर को हम हाई फ्लेम पे इसी तरीके से कंटिन्यूसली सॉटे करते रहेंगे जब तक तब तक कि हमारा ये जो चिकन का मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट में ही चिकन का जितना भी मॉइस्चर था वो पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो गया, सारा मसाला चिकन पर अच्छे से कोट हो गया। तो बस गैस के फ्लेम को हम कर देंगे बंद, इसे निकालेंगे साइड में और चलिए करते हैं पिज़्ज़ा को रेडी। तो ये देखिए, लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब हम हमारा आटा चेक कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक फूल चुका है, अपनी साइज़ में ये डबल हो गया है। तो बस इसे हम ऐसे पंच डाउन करेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर है वो निकल जाए। फिर हम आटे को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट और चिकना हो जाए। तो ये देखिए, आटा हमारा अच्छे से चिकना हो गया है। अब हम इसके इक्वल साइज़ के पेड़े निकाल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैं इसका पेड़ा एक पेड़ा निकाल रही हूँ। तो आपको इसी तरीके से बड़े साइज़ का पेड़ा निकालना है क्योंकि हम एक बड़ा पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं जिसका बेस भी काफ़ी मोटा होगा। तो ये देखिए, यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का पेड़ा निकाल लिया, इसे मैंने अच्छे से चिकना कर लिया। तो चलिए अब हम इसे बेलेंगे।
तो ये देखिए, यहाँ मैंने पेड़ा चॉपिंग बोर्ड पे ले लिया, इस पर मैं ड्राई फ्लोर डस्ट करूँगी। तो जिस क्वांटिटी में हमने आटा बनाया उसमें 2 से 3 पिज्जे आपके आराम से बन जाएंगे। यहाँ ड्राई फ्लोर डस्ट करने के बाद हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। तो हल्का सा मोटा और बड़ा बेस आपको इसका बनाना है। तो मैं अपने पैन के अकॉर्डिंग इसे बेल रही हूँ, आप भी अपने पैन के अकॉर्डिंग इसे बेलिएगा। मुझे हल्का सा बड़ा पिज्ज़ा चाहिए इसलिए मैंने बड़े साइज़ का यहाँ पर डो लिया है। तो ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे बेलते जाएंगे और इसका एक बड़ा सा बेस तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, आटे को हमने बेल लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ का मैंने इसका बेस रेडी किया और इसकी थिकनेस भी मोटी ही है। तो अब हम इसे पैन में ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक फ्राई पैन लिया है, अगर आप चाहे तो आप तवे पे भी इसे बना सकते हैं। इसे मैंने ऑयल लगा के पहले से ही ग्रीस कर लिया है। अब जो हमने पिज़्ज़ा बेस रेडी किया है उसे हम फ्राई पैन में अच्छे से प्लेस कर देंगे। अब हम इसके किनारे को अच्छे से ऐसे प्रेस करके इसे पिज़्ज़े का शेप दे देंगे। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से हम इस पर शेप दे देंगे। तो अब मैं एक फोक की मदद से इसके बीच में ऐसे थोड़े थोड़े से इसे प्रिक करूँगी, ताकि जब हमारा पिज़्ज़ा बेक होए तो ये ज़्यादा फूले नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर हम इस पर प्रिक कर देंगे, ताकि इसमें से एयर पास होते रहे। तो अब हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस। 2 चम्मच भर के मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ। ये मैं रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आप वो चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैंने पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से इवनली बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम इस पर बाकी की सारी टॉपिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने ग्रेटेड चीज़ का इस्तेमाल किया है, ये ब्लेंडेड चीज़ है। इसमें 2 टाइप की चीज़ें, मोजरेला और चेडर, दोनों चीज़ का इसमें मिक्स है। तो इवनली अच्छे से मैं इसमें गुड क्वांटिटी में चीज़ इस पे स्प्रेड कर दूंगी। अब जो हमने चिकन टिक्का रेडी किया था उसे हम एक 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 पीस करके इवनली पूरे पिज़्ज़ा पर चिकन टिक्का के पीसेज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। साथ ही में हम इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल की टॉपिंग्स करेंगे। तो बड़ी बेसिक सी वेजिटेबल्स का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अनियन के थोड़े से स्लाइस मैं इस पर लगा दूंगी। साथ ही मैं थोड़े से स्लाइस में इसमें कैप्सिकम के लगाऊंगी और आखिर में थोड़े से टमाटो के स्लाइस, क्योंकि हम चिकन पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो मेन इसका इंग्रेडिएंट हमें चिकन ही रहना चाहिए। तो वेजिटेबल्स का बड़ा ही कम इस्तेमाल करें। अब मैंने यहाँ पे इस पर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल कर दिया है। अब ऊपर से फिर हम इस पर ऐड करेंगे चीज़। तो गुड अमाउंट में आपको इस पर चीज़ ऐड करना है। तो जितना ज़्यादा पिज़्ज़ा में चीज़ रहेगा उतना ही आपका पिज़्ज़ा टेस्टी बनेगा। चीज़ डालने के बाद अब हम ऊपर से भी इसके ऊपर चिकन टिक्का के पीसेस रख देंगे, ताकि हर बाइट में पिज़्ज़ा के आपको चिकन टिक्का के पीसेस आए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं जिस तरीके से रख रही हूँ उसी तरीके से आप अपने हिसाब से जितना भी आपको इसमें चिकन ऐड करना है डाल दीजिएगा। ऊपर से मैं थोड़ी सी पिज़्ज़ा मिक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ, या फिर आप इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं। साथ ही में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हम इसमें ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस पिज़्ज़ा हमारा हो गया रेडी। तो चलिए अब इसे करते हैं बेक। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम पिज़्ज़ा बिना ओवन के बनाने वाले हैं, तो यहाँ मैंने फ्राई पैन को गैस पे रख दिया है। गैस के फ्लेम को हम एकदम स्लो पे रखेंगे और इसे कर देंगे कवर। कवर करके हम इसे लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और नीचे से भी हमारा जो पिज़्ज़ा का बेस है वो इवनली बेक हो जाए। तो 8 मिनट बाद आप ढक्कन हटा के पिज़्ज़ा को चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ मैं ढक्कन हटा के पिज़्ज़ा चेक कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा हमारा पक चुका है। जो बेस था वो भी काफ़ी हद तक फ्लफ़ी हो गया है, राइस हो गया है, और कितना अच्छा ब्राउन कलर इस पर आया। चीज़ भी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई। ये देखिए, इसका बेस भी इवनली पक चुका है। तो बस हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। तो चलिए जल्दी से इसे गर्मा गर्म करते हैं सर्व। तो ये देखिए, हमारा चिकन टिक्का पैन पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। जैसे कि आपने देखा, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान था, बहुत ही सिंपल इसकी रेसिपी थी, और हमने इसे बिना ओवन के पैन में बनाया है गैस पे। आप भी चाहे तो इसे इसी तरीके से पैन या तवे पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से परफेक्टली ये बेक हुआ है, पूरी तरह से, कहीं से भी ये कच्चा नहीं है। कितना अच्छा कलर इस पर आया, चीज़ भी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरे ये चिकन का पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल यम्मी फूड विद सना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।